जान दोस्तों, जो जबलपुर में जो वैकेंसी निकली थी आज, उसका हम ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है ना। इसका भी हम कुक का फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आपको इसका एक आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, बहुत अच्छा प्रिंट आउट है, ठीक है ना। तो आ जाते हैं हम फॉर्म पर। देखिए, आपको पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। मैं कुक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुक लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई आपको रेफर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिख देना है। इसका एडवर्टाइज नंबर रहने वाला है EN12/R92, ठीक है ना। इसके बाद इसकी डेट रहने वाली 18 से 24 जून तक रहने वाली इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट, ठीक है ना। आपको यहाँ पर लिखना है टू द सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना है हेडक्वार्टर सेंटर कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर MP, ठीक है ना। आपको यहाँ पर अपना कैपिटल में नाम लिख देना है इंग्लिश में, और आपको यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। आपका फादर का नाम लिख देना है, आपका मदर का नाम लिख देना, ठीक है ना। और आपको 10वीं के अकॉर्डिंग, आपके 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जन्म तारीख लिख देना है। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली 2 अगस्त, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है कि आप कितने साल के हो रहे थे, ठीक है ना। तो मैं 2 अगस्त को वापस साल 2 महीना और 7 दिन का हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये पूरी डिटेल लिख देना। उसके बाद आपको कैटेगरी लिख देना। मैं एससी में आता हूँ, इसलिए मैं एससी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेशनलिटी में मैं इंडियन लिख देना। उसके बाद आपको रिलीजन में हिंदू, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप वो लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद एड्रेस इन द फुल विद पिन, ठीक है ना। आपको ये मतलब एड्रेस एकदम डिटेल में भर देना, क्योंकि इसमें आपका मतलब एडमिट कार्ड आएगा ना, ठीक है ना, पत्रचार का पता जिसको बोलते हैं। आपको पूरा डिटेल में भर देना, ठीक है ना। आपको पूरा अपना डिटेल अच्छे से भर देना, ठीक है ना। इसके बाद आपको तहसील लिख देना है, आपका जो नियर बाय स्टेशन है पुलिस स्टेशन वो भर देना है। आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा वो भर देना, आपका हाउस नंबर क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपका पिन क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है ना। आपको ये डबल हर आपका सेम है तो आप सेम भर देना, आपका अलग अलग तो आप अलग अलग भर देना, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन एड्रेस आपका, इसमें पत्रचार का पता आएगा, ठीक है ना, ये वही इसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये परमानेंट आपका दोनों का सेम है मेरे हिसाब, तो आप सेम भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी जीमेल आईडी भर देना, ठीक है ना। और कुक के लिए ओनली 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है ना। तो मैं 10वीं की डिटेल भर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं 10th पास हूँ, मैंने 2016 में पास करी है, मैं MP बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरे 59% आए थे, मेरा सेकंड डिवीज़न बना था और मैं रीकॉन्ट में पास हूँ, ठीक है ना। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी कॉपी लगाना है, वरना डैश कर देना, ठीक है ना। अब मैं जाते हैं अगले पेज पर, ठीक है ना। और ये फोटो में आपको पता है ये सेल्फ अटैच करना है, हर डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटैच करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके फोटो में सेल्फ अटैच लिख देना, तारीख लिख देना और आपकी साइन कर देना है, ठीक है। पिछले वाले पेज का फॉर्म कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जो भाई मेरे जो जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, जो EWS से बिलोंग करते हैं, उन्हें पोस्टल ऑर्डर लगेगा, ठीक है ना, 100 रुपये का, ठीक है ना। आपको पता है ना किसके फेवर में बनाना है, वो जबलपुर के फेवर में बनाना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे उसका मतलब आप फिलअप कर देना, जो भी भाई पोस्टल ऑर्डर लेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन लगाना है, इस तरह से आपको यहाँ साइन और आपका नाम लिख देना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा। जो भाई SC जो भाई जनरल OBC और EW से बिलोंग करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को पोस्टल ऑर्डर लगाना है, SC और ST वालों को नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो मैं SC और ST से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं भरना है यहाँ से, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने। सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है, सेल्फ अटैच करके देखो इस प्रकार से। उसके बाद आपको आपकी जाति का प्रमाण पत्र लगाना, सेल्फ अटैच करके देखो ऐसे। उसके बाद आप चाहो तो आप मूल निवासी लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसमें दो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ छोटा एनवलप आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना। इसमें आपका स्वयं पता जिसमें आपका पत्राचार का पता, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है ना। कोई छोटा वाला एनवलप ऐसे बना लेना है, आपका पूरा नाम लिख के, आपका एड्रेस लिख के, आपका पिन लिख के, आपका फ़ोन नंबर लिख के, आपका स्टेट, आपका पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। इसमें कोई भी डाक टिकट नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही देना है, ठीक है ना। और आपको बड़ा वाला जिसमें आपको ये पूरा फॉर्म देना है, आपको ऐसा कुछ बड़ा लिखा हुआ ले लेना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, में कुक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसको क्लिक दे रहा हूँ। कैटेगरी मेरी ऐसे, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको टू लिख के हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड PO फर्स्ट मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर MP 48 48 2001 पे आपको भेज देना है, ठीक है ना। आप फॉर्म भी लिख सकते हैं कि यदि आपका कोई रिजेक्शन होता है तो ये फॉर्म आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। देखिए, आपको इसको स्पीड पोस्ट पर भेजना है, ठीक है ना। तो ये जल्दी पहुंच जाता है, आप ऑर्डिनरी डाक से भेजेंगे तो जाए या नहीं जाए वो भगवान भरोसा रहता है, ठीक है ना। आप यदि रजिस्टर से भेजते हो या स्पीड से भेजते हो तो गारंटेड पहुँच जाता है 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।